नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम सुपरविजन का रोल के बारे में पढ़ेंगे। रोल ऑफ द सुपरविजन, आखिर सुपरविजन का क्या रोल होता है, मतलब क्या भूमिका होती है मैनेजमेंट में एक सुपरवाइजर की, इसके बारे में आज हम जानकारी करेंगे। तो एज इज क्लियर, सुपरविजन हैज स्पेशल इम्पोर्टेंस ओनली एट द लोअर मैनेजरियल मैनेजमेंट। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ज़्यादातर सुपरविजन की आवश्यकता हमें कहाँ पड़ती है, लोअर लेवल मैनेजमेंट पे पड़ती है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर वही वर्क होता है और वर्क करते समय हमें एम्प्लॉयों को देखना होता है, उस पर ध्यान देना होता है ताकि वर्क अफेक्टिव और एफिशिएंट हो, टाइमली भी वर्क ख़त्म हो और जो है अफेक्टिव भी वर्क हो, सारे रिसोर्सों का यूज भी अच्छी तरीके से हो। ये सारी बातें डिपेंड करती हैं एक सुपरवाइजर के ऊपर। तो सुपरविजन करना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ द मेन फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट टू सुपरवाइज एंड गाइड टू द एम्प्लॉई। एम्प्लॉई को गाइड करना होता है हमें, ताकि हतोत्साहित होकर के वो एम्प्लॉई वर्क ना करें, खुशी खुशी सारे वर्क को करें। तो ये जो है सुपरविजन का इम्पोर्टेंस होता है, रोल होता है, महत्व तो होता है। तो आइए, पहला जो पॉइंट है इसमें, एज अ की मैन का मतलब होता है एक स्पेशल पर्सन के रूप में वर्क करता है सुपरवाइजर। सुपरवाइजर इज द मेन पार्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का ही एक पार्ट होता है, मैनेजमेंट का ही वो एक व्यक्ति होता है जो जिसका वर्क होता है कि वो ध्यान पूर्वक हर एक एम्प्लॉय पर विशेष रूप से ध्यान दे। और अगर कोई एम्प्लॉय वर्क नहीं कर पा रहा है तो उसे मोटिवेट करे, उसे गाइड करे, ये उसकी भूमिका होती है। एक जो सुपरवाइजर होता है उसी की अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हो गई तो बिजनेस जो है खत्म हो सकता है, समाप्त हो सकता है बच्चों। तो एक मुख्य भूमिका होती है मैनेजमेंट में वर्क कराने के लिए एक लोअर लेवल मैनेजमेंट पर। तो इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन में द वर्क ऑफ पुटिंग द प्लान्स इन द एक्शंस इज डन बाय द नॉन मैनेजरियल मेंबर्स। एक नॉन मैनेजरियल मेंबर्स होता है जो देख रेख करता है किनकी एम्प्लॉयों की, के एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं, प्लान के अकॉर्डिंग वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो उसमें कैसे सुधार करना है। इट्स डिपेंड ऑन द सुपरवाइजर। सुपरवाइजर पर ही ये सब चीज़, पूरी चीज़ डिपेंड होती है बच्चों। तो प्रत्येक संस्था में को कार्य रूप देने के लिए जो है सुपरवाइजर की हमें आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि वो वर्कर ठीक वर्क कर सके। जो सुपरवाइजर अच्छी तरह से अपने एम्प्लॉयों को मोटिवेट नहीं कर पाते हैं, वो अकुशल सुपरवाइजर माने जाएंगे और हर स्तर पर जो है हमें मैनेजमेंट के ये लोअर लेवल स्तर पर हमें सुपरवाइजर की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। तो एट दिस लेवल इवन लिटिल केयरलेसनेस, जरा भी असावधानी हुई, में अल्टीमेटली बिकम्स द कॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनाइजेशन बंद हो सकता है बच्चों। दैट इज वाई द सुपरवाइजर इज रेफर्ड टू एज द की मैन ऑफ द मैनेजमेंट। इसलिए मेन भूमिका मानी जाती है सुपरवाइजर की बच्चों, उसके मैनेजमेंट के अंतर्गत एक जो है विशेष भूमिका मानी जाती है इसकी। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, एज अ मीडिएटर। अच्छा, मीडिएटर कैसे, मैनेजमेंट में जो है जो सुपरवाइजर जो होता है वो लिंक बिटवीन द जो है हायर ऑथॉरिटी एंड द लोअर ऑथॉरिटी। एम्प्लॉय से भी उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है और डायरेक्ट उसका जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट से भी जो है उसका लिंक होता है। इधर वो सारी सूचनाएं जो है किसको देता है,
हायर लेवल मैनेजमेंट को देता है। काम लेते समय उसे मजदूरों पर भी, वर्कर्स पर भी, लेबर पर भी ध्यान देना होता है। तो एक मीडिएटर की भूमिका अदा करता है सुपरवाइजर बच्चों। तो सुपरविजन के अंतर्गत सुपरवाइजर का जो रोल होता है एक तरह से मीडिएटर के रूप में होता है, मिडिल रूप से वो कार्य करता है। इधर वो एम्प्लॉय पर भी ध्यान देता है कि एम्प्लॉय क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ में उसका ये भी रोल होता है कि वर्क कहीं धीमी गति से तो नहीं हो रहा, तो उसे कैसे तेज कराया जाए, उसके लिए कैसे एम्प्लॉय को मोटिवेट किया जाए, ये भी रोल जो है एक सुपरवाइजर का बिजनेस के अंतर्गत होता है बच्चों। तो इन द ऑर्गेनाइजेशन द सुपरवाइजर प्ले द रोल एज ऑफ द मीडिएटर। ही एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द हायर लेवल मैनेजर, हायर लेवल मैनेजमेंट से भी इसका वो जो है संबंध हो जाता है। हायर लेवल मीन्स हायर में अथॉरिटी में कौन आ गए, बोथ लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। बोथ मीन्स मिडिल लेवल मैनेजमेंट और टॉप लेवल मैनेजमेंट दोनों आ गए इसमें, एंड द वर्कर लोअर लेवल मैनेजमेंट भी आ गई। तो सुपरवाइजर इज द मिडिल पर्सन टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एज वेल एज लोअर लेवल मैनेजमेंट, एज वेल एज वर्कर्स, एज वेल एज एम्प्लॉयज। एंड हिज मेन जॉब जो उसका मुख्य जॉब होता है इज टू प्रिपेयर अ कोऑपरेटिव एटमोसफेयर अमोंग द टू पार्टीज इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द अटेनमेंट ऑफ द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो आई होप दैट क्लियर हो गया होगा कि एज अ मीडिएटर के बीच में के रूप में भी सुपरवाइजर अपनी भूमिका अदा करता है। थर्ड पॉइंट आता है बच्चों एज ए ह्यूमन रिलेशन स्पेशलिस्ट। एक जो सुपरवाइजर जो होता है वो अपने एम्प्लॉय को इस तरीके से मोटिवेट करता है जिससे कि उसका एम्प्लॉय जो है अच्छी तरह से वर्क कर सके, खुश होकर के वर्क कर सके। तो एक ह्यूमन रिलेशनशिप के रूप में भी कार्य करता है एक सुपरवाइजर। तो स्पेशलिस्ट होता है वो इस बात के लिए। अगर कोई एम्प्लॉय मान लो सपोज दैट वर्क नहीं कर पा रहा है तो उसे इस कदर जो है मोटिवेट करता है वो, उसको उसका मोटिवेशन इस तरीके से करता है कि वो खुश होकर के और मैक्सिमम से मैक्सिमम वर्क करता है। अगर सपोज दैट कोई न्यू लेबर है और उसकी समझ में वर्क नहीं आ रहा है तो उसे कैसे दूसरों के साथ में लगा करके उसकी देखी देखा वो वर्क कर सके, इस तरीके से भी उसको मोटिवेट किया करता है। तो अ सुपरवाइजर इज द फेस्ड विद द नंबर ऑफ द प्रॉब्लम रिलेटेड टू ह्यूमन बिहेवियर एवरीडे। दिन प्रतिदिन एक सुपरवाइजर को रोजाना कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाती है ह्यूमन रिलेटेड, वर्कर से रिलेटेड। आपस में एम्प्लॉय लड़ने लग गए, मान लो झगड़ा हो गया, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो कैसे उस झगड़े को शांत कराना है, ये वर्क भी जो है एक सुपरवाइजर, इसमें भी अब सुपरवाइजर की एक अहम रोल होता है बच्चों। और जब जो है एम्प्लॉय में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो इस कदर उसको जो है सॉल्व करना जिससे कि किसी भी पक्ष में कोई मनमुटाव ना हो, ऐसा प्रयत्न करता है कौन, एक सुपरवाइजर। फॉर विच ही हैज़ टू ट्राई एंड फाइनल सॉल्यूशन, पूरा सॉल्यूशन देता है। ही कैन डू ओनली इफ ही इज अ ह्यूमन रिलेशंस स्पेशलिस्ट। इसलिए वी कैन से दैट सुपरवाइजर इज द ह्यूमन रिलेशन स्पेशलिस्ट भी होता है। द अबव डिस्कशन मेक्स इट क्लियर दैट अ सुपरवाइजर हैज़ टू प्ले थ्री डिफरेंट रोल्स एट द सेम टाइम, एज अ की मैन, एज अ मीडिएटर एंड एज अ ह्यूमन रिलेशन स्पेशलिस्ट। ये तीन तरीके से जो है वर्क करता है एक सुपरवाइजर। तो सुपरवाइजर के मेनली रूप से
थ्री रोल्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एज अ की मैन, एज अ मीडिएटर, एज अ ह्यूमन रिलेशन स्पेशलिस्ट। तो बच्चों आई होप दैट क्लियर हो गया होगा रोल ऑफ द सुपरवाइजर, के सुपरवाइजर का एक संस्था में क्या रोल होता है बच्चों। तो क्लियर हो गया होगा ये। तो अब इसके बाद में देखते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक, फंक्शंस ऑफ द सुपरवाइजर। एक सुपरवाइजर के क्या क्या फंक्शन होते हैं, कौन कौन से कार्य करता है एक सुपरवाइजर। देखो मैंने बता ही दिए कितने कार्य करता है, आपने सुपरविजन का मीनिंग देखा, सुपरविजिंग में आपने सुपरवाइजर का रोल देखा, उसके फंक्शंस देखे। अब देखिए सुपरवाइजर्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ सुपरवाइजर। फर्स्ट इज द फैसिलिटेट्स कंट्रोल। देखो एक सुपरवाइजर कंट्रोलिंग का भी काम करता है, किस तरीके से एम्प्लॉई को कंट्रोल करना है, अगर वर्क कम हो रहा है तो उसके वेरिएशन को कैसे दूर करना है, कंट्रोलिंग का भी वर्क करता है। एक सुपरवाइजर ये देखता है कि कहीं वर्क धीमी गति से तो नहीं हो रहा, उसके पास पूरा प्लान होता है कि वर्क कितने समय में पूरा करना है। तो एक तरह से स्टैंडर्ड वर्क और एक्चुअल वर्क दोनों परफॉर्मेंसों का वो मिलान करता रहता है, बीच बीच में देखता रहता है कि कहीं कोई बीच में वेरिएशन तो नहीं हो रहा। एक एग्जैक्ट डेट को वर्क जो ख़त्म करना है वो एग्जैक्ट डेट पर ख़त्म हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये सारा प्रयत्न करता है कौन, एक सुपरवाइजर। अंडर द सुपरविजन द सुपरवाइजर कीप्स अ क्लोज आईज ऑन हिज सबऑर्डिनेट। एक गिद्ध की तरह निगाह रखता है किसके ऊपर, अपने एम्प्लॉयों के ऊपर। वेयर एवर ही फाइंड एनी फॉलोज इन द वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस कैसे हो, कार्य कहीं धीमी गति से तो नहीं चल रहा, वर्क को एग्जैक्ट टाइम पे ख़त्म हो पाएगा अथवा नहीं, ये सारी चीज़ें देखता है। ये सारे वर्क किसके होते हैं, एक सुपरवाइजर के होते हैं बच्चों। और रेक्टिफाइज देम एंड देयर इट्सेल्फ। कोई अगर प्रॉब्लम होती है ठीक है, तो उसको देन एंड देयर वो सॉल्व करता है, सॉल्यूशन देता है उसके। फ्रॉम टाइम टू टाइम डेविएशन आर नीड नोटेड। डेविएशन को भी नोट करता रहता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड, तो उसको भी कैलकुलेट करते हुए चलता है एक सुपरवाइजर। डेविएशन आर नोटेड बाई कंपेयरिंग एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस एंड द डिजायर्ड वर्क परफॉर्मेंस। एक्चुअल वर्क कितना हुआ है, डिजायरेबल वर्क कितना है और बीच में डिफरेंस कितना है। तो करेक्टिव मेजर्स आर टेकन इफ द नीड इज फेल्ट इन द मैनर सुपरविजन एंश्योर कंट्रोल। कंट्रोलिंग का भी वर्क करता है। दूसरा पॉइंट, दूसरा उसका फंक्शन जो होता है बच्चों, तो दूसरा फंक्शन उसका होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेस। रिसोर्सेसों का ऑप्टिमम यूटिलाइज कैसे किया जाए बच्चों। तो एक सुपरवाइजर का ये वर्क होता है कि वो ऐसा सुपरविजन करे जिससे कि जो हमारे रिसोर्सेस हैं वो अच्छी तरह से यूज हों उनका। रिसोर्सेस कौन कौन से होते हैं, एक तो ह्यूमन रिसोर्सेस होते हैं, मटेरियल होता है, मशीनरी होती है, लेबर होती है, लैंड होती है, बिल्डिंग होती है। दीज आर द ऑल थिंग्स आर द रिसोर्सेस ऑफ द बिजनेस। तो अंडर सुपरविजन ऑल द एक्टिविटीज आर क्लोजली मॉनिटर्ड। मॉनिटरिंग का काम होता है, समय समय पर मॉनिटरिंग करता रहे एक सुपरवाइजर। इन दिस सिचुएशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेस लाइक ह्यूमन मटेरियल मशीनरी एक्सेप्ट्रा टेक्स प्लेस। द प्रॉब्लम इज एट वन सॉल्व बिकॉज द एम्प्लॉयज आर ऑलवेज अंडर अ क्लोज वॉच। एज अ रिजल्ट दे स्टार्ट डूइंग अफेक्टिव वर्क इन द मिनिमम पॉसिबल टाइम। जो टाइम फिक्स है, मिनिमम पॉसिबल जो टाइम है, उस टाइम के अंदर अंदर वर्क ख़त्म
हो जाए। तो आई होप दैट क्लियर हो गया होगा इतनी इतना पॉइंट आपका। नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन। मैंने आपको बताया था अभी, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है लेबर में डिसिप्लिन कैसे रखा जाए, कोई लेबर टाइम पे आ रही है कोई नहीं आ रही है तो टाइम पे उसे कैसे बुलाया जाए, ठीक है। कोई लेबर ऐसी है जो एक दिन काम करती है और एक दिन नहीं करती है, उसको कैसे मेंटेन किया है। तो ये सारे वर्क किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, एक सुपरवाइजर के ऊपर। तो स्ट्रिक्ट वॉच एंड टाइमली गाइडेंस ऑफ द एम्प्लॉय टीचेस देम द लेसन इज डिसिप्लिन। समय समय पर टीच करना पड़ता है, एम्प्लॉयों को बताना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है डिसिप्लिन के बारे में। व्हेन स्पेशल अटेंशन इज गिवन टू द एम्प्लॉय को एक ऐसी जो है स्पेशल अटेंशन ध्यान विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है एम्प्लॉय को ड्यूरिंग देयर वर्क एंड देयर एवरी प्रॉब्लम्स इज सॉल्व एट द फर्स्ट इंस्टेंस, कि एक ही बार में सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं। दिस बिल्ड्स प्रेशर ऑन देयर माइंड टू मेंटेन डिसिप्लिन। हमेशा उसके दिमाग में यही बना रहता है कि डिसिप्लिन कैसे मेंटेन किया जाए। फोर्थ पॉइंट इज द फीडबैक ड्यूरिंग सुपरविजन। अ सुपरवाइजर इज ऑलवेज द डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट विद द सबऑर्डिनेट। एक सुपरवाइजर के सबऑर्डिनेटर से जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, एज अ रिजल्ट इसका रिजल्ट ये आता है कि आइडियाज सजेशंस कंप्लेंट्स एक्सेट्रा ऑफ द एम्प्लॉय विद रिगार्ड टू मैनेजरियल डिसीजन आर कंटिन्यूसली रिसीव्ड बाई द सुपरवाइजर। दिस फैसिलिटीज द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग फीडबैक एंड हेल्प टू टेक बेटर मैनेजरियल डिसीजन। नेक्स्ट है बच्चों इम्प्रूव कम्युनिकेशन। अगर जो है किसी कोई वर्क रुक जाता है या कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है या कोई अदर प्रॉब्लम्स होती है, इसका मतलब ये है कि कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की कमी हो रही है। तो उस कम्युनिकेशन को कैसे दूर किया जाए, किस प्रकार से दूर किया जाए, इसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है एक सुपरवाइजर, ठीक है। जब किन्हीं दो ग्रुपों में कोई टकराव होता है, कोई स्थिति ऐसी पैदा हो जाती है जिससे उनमें कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसका मुख्य कारण क्या होता है, कम्युनिकेशन की कमी। एक सुपरवाइजर जब सुपरविजन करता है तो अधीनस्थों को आदेश देता है, अपने सबऑर्डिनेट को ये आदेश देता है, ये निर्देश देता है कि वो उनसे और उनसे वापस जानकारी भी प्राप्त करता है कि अगर कोई कमी है तो वो क्यों है। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो अधीनस्थ जो होते हैं, सबऑर्डिनेट जो होते हैं, वो अपने विचार सुझाव शिकायत और जो है सुपरविजन से रिलेटेड कोई भी बात हो तो उसे उसके पास पहुंचाते रहते हैं। तो कम्युनिकेशन बना रहता है तो काम भी ठीक होता था। वेन एवर द सिचुएशन इज डिसिप्लिन अराइज बिटवीन एनी टू पार्टीज द मेन रिसोर्सेस द मेन रीजन फॉर इट इज द लैक ऑफ द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की कहीं ना कहीं कोई कमी अंडर सुपरविजन द सुपरवाइजर गिव्स ऑर्डर एंड डायरेक्शंस। ऑर्डर भी देता है, डायरेक्शंस भी देता है टू हिज सबऑर्डिनेट को। ऑल्सो ही इन टर्म्स रिसीव फीडबैक, उनसे फीडबैक भी लेता है फ्रॉम देम। ऑन द अदर हैंड सबऑर्डिनेट कम्युनिकेट देयर आइडियाज। सबऑर्डिनेट जो होते हैं वो अपने आइडिया सजेशंस कंप्लेंट्स ये भी उसको देते रहते हैं, जिसको एक सुपरवाइजर मैनेजर तक पहुंचाता है। इन दिस मैनेजर इज अ फ्रेंडली एटमोसफियर इज क्रिएटेड। और इससे क्या होता है, एक फ्रेंडली जो है मैत्रीपूर्ण व्यवहार उत्पन्न हो जाता है बिटवीन बोथ द पार्टीज। दिस स्ट्रेंथ फॉर फ्री कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आता है इम्प्रूव मोटिवेशन। मोटिवेशन का भी काम करता है कौन, एक सुपरवाइजर, क्योंकि मोटिवेशन से ही जो है मोटिवेशन के माध्यम से ही वर्कर लेबर
ये वर्क करती है बच्चों। तो एवरी एम्प्लॉयज एस्पायर टू सी हिमसेल्फ एज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग सुपरविजन। अ सुपरवाइजर डिवाइडेड द वर्क इन अ मैनर दैट टेक्स एवरी पर्सन फील्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एन इम्पोर्टेंट जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। बाई गेटिंग दिस काइंड ऑफ इम्पोर्टेंस एंड एम्प्लॉयज फील्स मोटिवेट एंड ही टेक्स हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी विद द मोर डेलीजेंस। तो ये बच्चों इसके फंक्शंस होते हैं, फीचर्स होते हैं ऑप्टिमम। फर्स्ट इज द फैसिलिटी कंट्रोल, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, मेंटेनेंस एंड डिसिप्लिन, फीडबैक, इम्पोर्टेंस ऑफ द इम्प्रूव द कम्युनिकेशन, इम्प्रूव मोटिवेशन। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के फंक्शन होते हैं और डायरेक्टिंग में किसके सुपरविजन के। आइए डिफरेंस भी देख लेते हैं इसका, क्या डिफरेंस है डायरेक्टिंग में और सुपरविजन में, सुपरविजन और डायरेक्टिंग में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो आइए इसको एक बार देखते हैं। पहला, मीनिंग के आधार पर इट रेफर्स टू इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल सो दैट द ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड। यानी कि डायरेक्टिंग का, डायरेक्शन का जो मीनिंग होता है, डायरेक्टिंग का जो मीनिंग होता है वो होता है एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्टिंग करना, गाइड करना, कम्युनिकेट करना उससे, एंड इंस्पायरिंग उसे इंस्पायर करना, उसे मोटिवेट करना जिससे कि कार्य को अफेक्टिव और एफिशिएंट हो और जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट है वो प्राप्त हो सके। सुपरविजन का क्या है, इट रेफर्स टू मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द रूटीन वर्क ऑफ वन सबऑर्डिनेट्स एंड गाइडिंग देम प्रॉपरली। सुपरविजन का क्या काम होता है, मॉनिटरिंग करना होता है, उन्हें अपने सबऑर्डिनेट को मोटिवेट करना होता है, अपने सबऑर्डिनेट को गाइड करना होता है जिससे कि प्रॉपर वर्क हो सके। अगला है स्कोप। स्कोप क्या है इसका, इट्स स्कोप इज वाइडर, डायरेक्टिंग का वाइडर स्कोप होता है एज सुपरविजन इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ इट, और इसका सुपरविजन एक हिस्सा है। सुपरविजन क्या होता है, इट्स स्कोप ऑफ इज नैरो, कम स्कोप है इसका एज इट इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन के अंदर। तो आई होप दैट क्लियर हो गया होगा बच्चों डिफरेंस बिटवीन डायरेक्शंस एंड द सुपरविजन। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कुछ ब्रेक के बाद, थैंक यू।